आगे बढ़ेंगे आज की एक और बड़ी खबर, क्या ओडिशा के बालासोर में हुई रेल दुर्घटना एक साजिश थी क्या? क्या इस ट्रेन दुर्घटना को जानबूझकर अंजाम दिया गया क्या? और अगर ऐसा हुआ था तो किसके इशारे पर हुआ होगा, या फिर ये एक मानवीय भूल थी जिसकी वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रैक से पलट गई? ये सवाल इसलिए क्योंकि रेल हादसे की शुरुआती जांच में, ध्यान से सुनिएगा, रेल हादसे की शुरुआती जांच में जानबूझकर छेड़खानी के सबूत मिले हैं, जिसने सवाल खड़ा कर दिया है कि रेल पलटी या पलटाई गई। शुरुआती जांच में जो कुछ भी सामने आया उसके बाद रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी और अब इस मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई ने आज जांच शुरू कर दी ऑफिशियली और तमाम सवालों का जवाब तलाशने के लिए सीबीआई की 10 सदस्यों की टीम ओडिशा के बालासोर पहुंच चुकी है। ये पलटी या पलटाई गई, हादसा या साजिश, मतलब, लेकिन आप भी सोच रहे होंगे कि एक ट्रेन दुर्घटना की जांच सीबीआई, आपके जहन में सवाल हो रहा है ना, सीबीआई की जांच। इससे पहले आपने शायद यह सुना होगा कि किसी ट्रेन दुर्घटना की जांच सीबीआई को सौंपी गई, लेकिन वैसे हम आपको बताएंगे कि क्या भारत में पहली बार किसी ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई कर रही है, क्या पहली बार किसी ट्रेन दुर्घटना को साजिश की नजर से देखा जा रहा है। हम आपको यह भी बताएंगे कि विपक्ष के जो नेता आज बालासोर हादसे, रेल हादसे की सीबीआई जांच को गुमराह करने का तरीका और इंद्रजाल बता रहे हैं ना, उनके शासनकाल में कैसे ट्रेन हादसों की जांच सीबीआई, सीआईडी जैसी जांच एजेंसियां कर चुकी हैं, ये तथ्य आपको बताएंगे। पहली बार नहीं हो रही है रेल हादसे की सीबीआई जांच, लेकिन सबसे पहले समझिए कि बालासोर ट्रेन हादसे की जांच सीबीआई जांच तक कैसे पहुंची है। ये हादसा साजिश क्यों कहा जा रहा है, क्या उसका क्यों शक है, ये समझने के लिए आप दो बयान सुनिए। पहले पहला बयान भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का है जो उन्होंने 4 जून को दिया था, और दूसरा बयान भारत के पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का है जो उन्होंने आज नेटवर्क 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान दिया। अब भारत के वर्तमान और पूर्व रेल मंत्रियों के इन दोनों बयानों को बहुत ध्यान से सुनिए, एक साथ सुनिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुर्घटना की जांच सीबीआई क्यों कर रही है और क्यों कहा जा रहा है कि ट्रेन पलटी या पलटाई गई। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे, जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक, इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। ट्रैक्स वर नॉट गुड, हाउ डू वी नो दैट, हाउ इफ द इनिशियल रिपोर्ट ऑफ पीपल इफ सेइंग दैट इट वेंट इनटू द लूप लाइन, हाउ डिड इट गो इनटू द लूप लाइन? And after going into the loop line, it derailed. So unless and until somebody fiddles around the electronic locking system, to my mind, with little knowledge of the railways, it is very difficult to digest. दो बयान आपने सुने, root cause identify हो गया है, पहला बयान अश्विनी वैष्णव और दूसरा पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी जो कह रहे हैं कि 100% खेल है, सबोटाज है, साजिश है। अश्विनी वैष्णव 2021 से देश के रेल मंत्री हैं और दिनेश त्रिवेदी भी भारत के रेल मंत्री रह चुके हैं। अश्विनी वैष्णव कह रहे हैं कि दुर्घटना के कारणों का पता लग गया है और जो भी जिम्मेदार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। तो दूसरी तरफ दिनेश त्रिवेदी कह रहे हैं कि जिस इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम के फेल होने की बात हो रही है वो फेल हो ही नहीं सकता, इसलिए यकीनन जानबूझकर अंजाम दी गई घटना है। सीबीआई ने आज इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है जिसमें आईपीसी की धारा 337, 337, 338 और 304A के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। ये सभी धाराएं दूसरों के जीवन को जानबूझकर खतरे में डालने से संबंधित है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 34 के तहत भी मामला दर्ज किया गया। ये धारा उन लोगों पर लगाई जाती है जिन पर सामूहिक षड्यंत्र का शक होता है, सेक्शन 34 आईपीसी, यानी कि जब कुछ लोग आपस में मिलकर जानबूझकर किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देते हैं कॉमन इंटेंशन के साथ, सेक्शन 34 आईपीसी। इसके अलावा रेलवे एक्ट की धारा 153, 154 और 175 के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। ये सभी धाराएं रेल यात्रियों की जान को गैर कानूनी तरीके से या लापरवाही के जरिए संकट में डालने के आरोपों से डील करती है, यानी कि सीबीआई ने भी अपनी एफआईआर में इस बात का इशारा दे दिया।
कुछ लोगों द्वारा किया गया एक ये षड्यंत्र हो सकता है, मतलब हादसा या साजिश, ट्रेन पलटी या पलटाई गई। बालासोर ट्रेन दुर्घटना में साजिश का एंगल कहां से आया, इसकी जांच सीबीआई को क्यों कैसे सौंपी गई ना, इसे समझने के लिए आप ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि हादसा हुआ कैसे था। और अभी दिनेश त्रिवेदी जिसका जिक्र कर रहे थे ना, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, जिसका जिक्र अभी दिनेश त्रिवेदी ने किया कि फेल, वो फेल प्रूफ है, यानी कि कभी नाकाम ना होने वाला सिस्टम वो बता रहे हैं। उसका इस दुर्घटना में क्या रोल, क्या होता, क्या ये इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये हादसे में एक नहीं बल्कि तीन ट्रेनें शामिल थी, तीन। ये दुर्घटना शुक्रवार शाम 7 बजे ओडिशा के भांगा बाजार रेलवे स्टेशन के पास घटी। इसमें जो तीन ट्रेनें शामिल थी उसमें पहली है कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो ओडिशा के रास्ते पश्चिम बंगाल के हावड़ा से चेन्नई जा रही थी। दूसरी है हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो बेंगलुरु के यशवंतपुर रेलवे स्टेशन से हावड़ा जा रही थी। यानी ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे से उलट दिशा में दौड़ रही थी, एक ट्रेन इस तरफ और दूसरी ट्रेन एक तरफ। तीसरी थी आयरन ओर, यानी कि लौह अयस्क से भरी हुई एक मालगाड़ी, जो भांगा बाजार स्टेशन के पास एक लूप लाइन में खड़ी हुई थी, एक ट्रेन खड़ी हुई थी वहां पर। देखिए क्या होता है ना, कोई भी रेलवे ट्रैक आमतौर पर, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे, कोई भी रेलवे ट्रैक क्या होता है इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं इसको यहां से समझाऊंगा। देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिए, कोई भी रेलवे ट्रैक जो होता है ना, वो आमतौर पर चार लाइनों में बटा होता है। इसके बीच में होती हैं दो मेन लाइनें, मतलब एक दो तीन चार, ये जो दो नंबर दो और नंबर तीन, ये मेन लाइन होती है। यहां पर ट्रेनें विपरीत दिशा में दौड़ती है, एक ट्रेन इस तरफ एक ट्रेन इस तरफ, चार ट्रैक्स होते हैं, एक दो तीन चार, समझ गए अब आप। दूसरा और तीसरा मतलब इनके ट्रैक टू और ट्रैक थ्री कहा जाता है, बाकी के दोनों तरफ होती है लूप लाइंस, यानी कि ये एक लूप लाइन ये और एक लूप लाइन वो, इसके जरिए ट्रेनों का रूट बदला जाता है। मतलब आप ट्रैक वन और ट्रैक फोर को, ट्रैक वन और ट्रैक फोर को लूप लाइन कह सकते हैं, मतलब ये दो और तीन मेन लाइन हो गई और ट्रैक वन और ट्रैक फोर लूप लाइन हो गई, इसके जरिए ट्रैक बदला जाता है। कहा जा रहा है ये जो एक्सप्रेस जो ट्रेन थी कोरोमंडल एक्सप्रेस, शुक्रवार को शाम 7 बजे जब भांगा बाजार रेलवे स्टेशन पहुंची तो वो मेन लाइन पर दौड़ रही थी। ये देखिए वो कोरोमंडल एक्सप्रेस मेन लाइन पर दौड़ रही थी, यानी ट्रैक नंबर दो पर दौड़ रही थी, ट्रैक नंबर दो पर वो दौड़ रही थी, और लौह अयस्क से भरी मालगाड़ी खड़ी हुई थी, और ट्रैक चार यानी कि आखिरी लूप लाइन पर भी एक मालगाड़ी वहां पर खड़ी हुई थी। मैं इसको ग्राफिक्स के जरिए आप समझेंगे, यहां पर एक मालगाड़ी ऑलरेडी खड़ी हुई है लूप लाइन पर, कोरोमंडल एक्सप्रेस यहां से आई और वो लूप लाइन में आ गई, अचानक से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती हुई कोरोमंडल एक्सप्रेस ने अपनी ट्रैक को बदला और वो ट्रैक बदलकर लूप लाइन में आ गई। अचानक से उसने मेन लाइन छोड़ दी, वो लूप लाइन पर चली गई जहां पहले से एक मालगाड़ी खड़ी थी। यहां पर कोरोमंडल एक्सप्रेस ने इस मालगाड़ी को टक्कर मारी। अब इसमें लौह अयस्क है और इतनी भारी ये ट्रेन, समझ लीजिए लौह अयस्क है तो एक पहाड़ की चट्टान है। अब कोरोमंडल एक्सप्रेस आई और पहाड़ की चट्टान पर टक्कर मारी, एक तरीके से अचानक से ट्रैक बदला, इसके 22 डिब्बे पटरी से उतर गए, इंजन समेत कुछ डिब्बे मालगाड़ी पर चढ़ गए, जबकि कुछ डिब्बे छिटक कर दूसरी मेल लाइन पर पहुंच गए, मतलब एक दो और ये तीन, मतलब इसने इसको टक्कर मारी और जो वहां से ट्रेन आ रही थी उसकी भी टक्कर हुई, तो तीन ट्रेनें आपस में टकराई, जिस पर बेंगलुरु से हावड़ा जा रही हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस दौड़ रही थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस के पीछे के कुछ डिब्बे 126 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए। ये आप देखिए, इससे नुकसान और ज्यादा हो गया, ट्रिपल ट्रेन हादसा हो गया ये। अब आप सोचिए अगर दोनों ट्रेनों के आमने सामने गुजरने से में सिर्फ 30 सेकंड का भी अंतर होता तो शायद हादसा इतना बड़ा नहीं होता। ट्रैक फोर यानी कि आखिरी लूप लाइन पर भी एक मालगाड़ी खड़ी थी जिसे इससे मामूली नुकसान पहुंचा। सवाल क्या है अब समझिए, सवाल यह है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस अपना निर्धारित ट्रैक छोड़कर लूप लाइन पर क्यों गई? यही एंट्री होती है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम की, इसे आप शॉर्ट फॉर्म में EIS भी बुला सकते हैं। EIS के तहत ट्रैक्स पर थोड़ी दूरी पर डिटेक्शन सर्किट लगे होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट्स ये पहचानते हैं कि ट्रैक से कौन सी ट्रेन गुजर रही है। ये सर्किट्स EIS को सिग्नल भेजते हैं और इन सिग्नल्स के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम
अलग अलग पॉइंट्स पर सिग्नल्स को कंट्रोल करते हैं और ट्रेन के ड्राइवर को बताता है कि आगे बढ़ना है या रुकना है। वो अपने ट्रैक पर चल रहा है, वो ट्रैक खुद बदल ही नहीं सकता है। यही सिस्टम उन पॉइंट्स को भी कंट्रोल करता है जहां पटरियां बदली जाती है, यानी कि जहां से ट्रेन की दिशा बदली जाती है। सारे सिग्नल्स, पॉइंट्स और ट्रैक स्टेशन मास्टर रूम से कनेक्टेड होते हैं, जहां एक बड़े से मॉनिटर पर यह सारा डेटा देखकर ट्रेनों को ग्रीन, रेड या येलो सिग्नल और दूसरी कमांड देने का फैसला होता है। अब पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी का दावा है कि मेन ट्रैक है लूप लाइन पर जाते समय कोरोमंडल एक्सप्रेस को मिला सिग्नल ग्रीन था, यानी कि ड्राइवर के पास ऐसा कोई संकेत नहीं था कि उसे ब्रेक लगानी है। आपको बता दें, ट्रेन का लोको पायलट यानी ड्राइवर सिर्फ ट्रेन को ब्रेक लगा सकता है या उसकी गति बढ़ा सकता है, ट्रैक वो अपनी मर्जी से बदल ही नहीं सकता है, ट्रैक चेंज वो कर ही नहीं सकता है। ये काम इंटरलॉकिंग सिस्टम का, मैंने बताया ना, कंट्रोल पॉइंट के जरिए होता है। अब दिनेश त्रिवेदी कहते हैं कि एक ही समय पर सिग्नल का भी ग्रीन होना और इंटरलॉकिंग प्रणाली के भी फेल हो जाने जैसा इतना बड़ा संयोग, इतना बड़ा कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता है। वो कहते हैं कि अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम, मतलब इंटरलॉकिंग सिस्टम ट्रैक होता है, अब वो ट्रैक फिक्स हो गया, ट्रैक से वो अगर लूप लाइन में आ गई वो ट्रेन, तो वो, अब दिनेश त्रिवेदी का ऐसा दावा है कि वो फेल प्रूफ है, वो सिस्टम खराब हो ही नहीं सकता है। उसके साथ किसी ना किसी ने छेड़खानी की होगी, सिस्टम में गड़बड़ी हो भी जाए ना अगर इंटरलॉकिंग सिस्टम में, तो भी एक फेल से प्रणाली सक्रिय हो जाती है, बकौल दिनेश त्रिवेदी, यानी कि EIS को भी टेक ओवर कर लेती है और ट्रैक पर सारे सिग्नल रेड हो जाते हैं और ट्रेन आगे बढ़ ही नहीं सकती है। इसलिए वो आशंका जता रहे कि इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंदर छेड़छाड़ होने के बाद ही ट्रेन ने अचानक ट्रैक बदल लिया। लेकिन ऑपोजिशन को लगता है कि सरकार इस मामले की जांच CBI से कराकर लोगों को गुमराह कर रही है और ये जांच एक इंद्रजाल है। सुनिए, आज सरकार क्या कर रही है, कहानियां गढ़ रही है, साजिश रचने की थ्योरियां बता रही है, एक इंद्रजाल बनाने की कोशिश की जा रही है। 288 लोग, मतलब 300 करीब लोगों की जान चली गई है और आज भी इस सवाल का जवाब नहीं है। लेकिन सवाल है कि CBI जांच से प्रॉब्लम क्या है? CBI जांच होगी, सच सामने आ जाएगा, कौन नहीं चाहता सच सामने आए, पता तो लगे हुआ कैसे, किसने किया, क्या किया, पता तो लगे ना। मतलब कांग्रेस ही नहीं, TMC भी इस मामले की CBI जांच पर सवाल उठा रही है। ममता बनर्जी कह रही है कि 2010 में पश्चिम बंगाल में हुई ज्ञानेश्वरी ट्रेन दुर्घटना की जांच उन्होंने खुद CBI को सौंपी थी, लेकिन उसका कुछ नतीजा नहीं निकला। लेकिन बीजेपी के नेता और ममता बनर्जी के दूर विरोधी शुभेंदु अधिकारी ने तो एक कदम आगे जाते हुए बालासोर को TMC की साजिश बताते हुए पूछा कि ममता बनर्जी CBI जांच से घबरा क्यों रही है। लेकिन इस बीच TMC की तरफ से रेलवे के दो अधिकारियों का एक कथित ऑडियो भी जारी किया गया, जिसमें बातचीत के दौरान एक अधिकारी कहता है कि लगता है कि कुछ मैनिपुलेशन हुआ है। वो अधिकारी यह भी बताता है कि ट्रेन को मेन लाइन पर आगे बढ़ने के लिए ग्रीन सिग्नल मिला हुआ था, लेकिन अचानक उसे लूप लाइन पर डाल दिया गया। ऐसे कैसे हो सकता है? SNT वाला अगर कुछ मैनिपुलेट करेंगे तो हो सकता है। नहीं, बट डिड दे, माने वर दे डूइंग एनी जॉब एट दैट टाइम? कुछ काम हुआ था ना, कुछ काम हुआ था वहाँ पे। हाँ, तो मैं भी उसमें कुछ गड़बड़ किया हूँ, बट